पहले कोरोना, फिर बाढ़ और अब डायरिया के प्रकोप से नौतन के भगवानपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के दलित समुदाय लोग काफी परेशान हैं। पिछले 15 दिनों से दर्जन भर से अधिक लोग डायरिया से ग्रस्त हो चुके हैं। इस बीमारी के कारण बीते गुरुवार को एक मासूम की जान चली गई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिनों में दर्जन भर लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, इलाज के बाद अभी ठीक हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बीते गुरुवार को 5 वर्षीय संतोष की जान इस बीमारी के कारण चली गई। वहीं वेदांति देवी और ललन माझी का इलाज मंगलपुर के प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस दिन संतोष की मौत हुई थी, उसी दिन पीएससी नौतन से मेडिकल टीम गांव में आई थी। कुछ दवाइयां और पानी में डालकर पीने वाला पाउडर देकर साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने की बात कहकर चली गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद से हम लोगों का हाल जानने के लिए अब तक कोई नहीं आया। हम सभी दलित समुदाय के लोग इस बीमारी से काफी परेशान हैं। भगवान 4 नंबर बाद भगवान को पहचान पड़ेगा। एग्जाम में देखी सब लोग बीमार पड़ बा, दुख बीमार भी बहुत बचार आदमी फिलहाल भर्ती बा। और लोग मैंने दवा भी करा के आदमी ठीक कर ले बा। एगो लड़का कल क्या 2 दिन हो गए लेके गए मुगल है, बीमारी से बीमारी अपना ना करती चल बाद मुँह पेट 2-3 बजे चल तो बाद लोग लाचार हो जाता, हाथ गोड़ में चिंगा लग जाता। आज से 10-15 दिन से महामारी चल रहा है, जिसमें 20-25 आदमी बीमार है और 10-12 लोग अपने प्राइवेट से इलाज कर ठीक ठाक हो गए हैं। अभी एक 2 आदमी भर्ती है प्राइवेट दवाखाना में। आज से 3 दिन पहले एक ठो लड़का डेथ कर गया इसी महामारी से।